Students, today we are studying lesson number 39 in GK, and our lesson number 39 is rhyming words. Rhyming words end with the similar sound. Rhyming words क्या होते हैं? जिनके sound क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं. और rhyming words किस पे खत्म होते हैं? एक similar sound. मतलब जिस word का similar sound दूसरे sound से match करेगा वो क्या होगा? उसका rhyming word. फॉर एग्जाम्पल हैट राइम विथ कैट. जैसे कि हैट, हैट का राइम वर्ड क्या होगा? कैट, हैट, कैट. तो ये क्या हो गया? ये सिमिलर साउंड हो गए. हेट राइम विथ प्लेट. हिट का राइम वर्ड क्या होगा? प्लेट. एंड गोल्ड, गोल्ड का राइम वर्ड क्या होगा? बोल्ड. राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. अब आपके सामने बच्चों कुछ राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, आपको क्या करने हैं? उनके सामने उन्हीं के वर्ड्स के राइमिंग वर्ड लिखने हैं. मैं आपको इसमें से कुछ राइमिंग वर्ड्स बताऊंगी, बाकी के आपको कंप्लीट करने हैं. जैसे कि फर्स्ट है ग्रैप. ग्रैप का राइमिंग वर्ड क्या होगा? क्रैप. ग्रैप, क्रैप. सेकंड रेस. रेस का राइमिंग वर्ड क्या होगा? केस. थर्ड पैक. पैक का राइमिंग वर्ड होगा, पैक का राइमिंग वर्ड होगा बैक. फोर्थ क्लिफ, स्टिफ. क्लिफ का राइमिंग वर्ड क्या होगा? स्टिफ. फिफ्थ स्काई. स्काई का राइमिंग वर्ड क्या होगा? कोई बता सकता है? स्काई, राय. तो ये पांच राइमिंग वर्ड्स मैंने बताए हैं, बाकी 6 to 15 आपको खुद को करने हैं बच्चों. ये हेल्प बॉक्स में आपको राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, इनके मतलब आपको ढूंढ के इसमें सेम राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं. तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 39, राइमिंग वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स के सिमिलर साउंड हो.